यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स, आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का डिस्कशन। और गैस, आज हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 2014 एंट्रेंस पेपर। गैस, जैसे कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये सीरीज हमारी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पेपर के सोल्यूशंस की चल रही है गाइज। तो गैस, उसी अकॉर्डिंग गाइज आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। गैस, हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पेपर को करने का कि अगर एग्जाम में आपके ये क्वेश्चंस रिपीट हो गए, जो कि गाइस साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में ऐसा होता है कि 40-50%, ऑलमोस्ट 40% तो गाइस है कम से कम के रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर मान लो 50 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप 15 से 18 क्वेश्चन आप मान के चलो रिपीटेड होंगे। ठीक है, एंड गाइज जो क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है तो गाइज वो भी पता है रिपीटेड की तरह होते हैं, मतलब जो टॉपिक्स पहले पूछे जा चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन गाइज वो दोबारा पूछते हैं। फर्क क्या कर देते हैं, वो थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें और कर लेते हैं, एड लेस कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो गाइज ये हमारा भी ऑब्जेक्टिव है कि एक तो हमें पास्ट ईयर क्वेश्चन के आंसर मतलब समझने के कौन सा आंसर क्यों है। ठीक है, कोई भी आंसर सही है तो वो सही क्यों है, साथ साथ वो थ्योरी या वो कंसेप्ट क्या है गाइज जितना थोड़ा बहुत हो सकता है, और गाइज वो रेफरेंस के अगर आपको वो मतलब पढ़ना पड़े तो कहाँ से पढ़ोगे, गाइस ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड गाइस थोड़ी सी थ्योरी भी डिस्कस करेंगे कि वो क्वेश्चन का मेन मतलब मेन वो क्वेश्चन है ही क्या। ठीक है बेटा, तो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग यहाँ पे। गाइस तो ध्यान से देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है भाई, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कंसिडर्स एजुकेशन। देखो बेटा, आंसर तो मैं चलो बता देता हूँ इसका आंसर बेटा, बी आंसर है बेटा इसका। ठीक है, लेकिन वो आंसर बी क्यों है वो आप समझ लो। एंड गाइस देखो, आंसर बी होने का रीजन क्या है, देखो ऐसा होता है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी एक अजम्पशन पर बेस्ड है जहाँ पे बोला जाता है कि जो पर्सनल एजुकेशन होती है वो गाइस हाईली इंस्ट्रूमेंटल होती है एंड दिस इज द नेसेसरी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन। यानी यानी ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल थ्योरी में के अकॉर्डिंगली जो एजुकेशन होती है गाइज वो हाईली इंस्ट्रूमेंटल होती है। ध्यान रखना है, एजुकेशन इज हाईली इंस्ट्रूमेंटल, हाईली इंस्ट्रूमेंटल एंड इट इज अ नेसेसरी, इट इज सो नेसेसरी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन। समझ लो गाइज, तो यह मैं इस बात को भी लिख देता हूँ, एंड नेसेसरी टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है बेटा, गाइज जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पे, एक तो सही आंसर बताना ऑब्जेक्टिव है, वो सही आंसर क्यों है गाइज, क्योंकि गाइज उससे कनेक्टेड में थोड़ा सा आपको मैं थोड़ा सा गाइज जरूर बताऊंगा। और गाइज अब देखो एक चीज समझना, कहते हैं ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कंसिडर्स एजुकेशन एज एन एंड इन इटसेल्फ, यानी वो अपने आप में आखिरी मतलब एजुकेशन इज अ लास्ट थिंग ह्यूमन कैपिटल थ्योरी के लिए नहीं गाइज। ठीक है, अच्छा अगर ए नहीं है तो गाइज सी भी नहीं है। ठीक है, अब बचा बी और डी। देखो कहते हैं एज अ मीन्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ध्यान रखना बेटा, जो एजुकेशन होती है वो इकोनॉमिक ग्रोथ का एंड एंड की तरफ जा रहा है, समझ लो। अब आप बोलो सर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो ध्यान रखना पड़ा इकोनॉमिक ग्रोथ कभी एंड नहीं होती, मतलब हम लोग कभी डेवलपमेंट में या ग्रोथ में एंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा हम अपनी एक नई ग्रोथ चाहते हैं। अभी हमने 10th में जस्ट एग्जांपल 10th के लिए बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, ठीक है, फिर 12th के लिए बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, फिर ग्रेजुएशन के लिए बहुत अच्छा पढ़ रहे थे, एंड देन गाइस आफ्टर दैट हम लोग एंट्रेंस के लिए एमए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस के लिए बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, एंड देन गाइस उसके बाद में फर्दर स्टडीज के लिए, मतलब हम हमेशा ग्रोथ के टूवर्ड जाएंगे, ग्रोथ के एंड की तरफ जाएंगे, जो गाइस कभी भी नहीं होगा। तो गाइस एजुकेशन इज बेसिकली एज अ मीन्स टूवर्ड्स द एंड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। गॉट इट गाइज? एंड गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये क्वेश्चन वो दोबारा पूछते हैं तो गाइज वो ये टर्मोनोलॉजी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड साथ साथ गाइज अगर ये पूछ लें वो लोग आपसे कि ह्यूमन कैपिटल थ्योरी किसकी थ्योरी, तो गाइज ध्यान रखना दो इकोनॉमिक्स हैं जहाँ जिनसे ये ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कनेक्टेड है बेटा, एक है बेकर, दूसरे बेटा रॉजन। ठीक है, तो ये गए दो इकोनॉमिस्ट है जिनसे ह्यूमन कैपिटल थ्योरी कनेक्टेड है। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ अपने आप अपने माइंड में रखिएगा। गए ध्यान रखना, ये साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के एक एक क्वेश्चन पे हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं गाइज, मैंने बहुत बहुत रिसर्च करी है गाइज, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझा है, इवन मैंने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करी है इसके लिए। तो गाइज प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ मेरी
मेहनत को या मेरे सपोर्ट को जो मैं आपको देना चाहता हूँ गाइज, उसका प्लीज़ यूटिलाइज कर लेना, ठीक है बेटा? उसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लो एंड सिलेक्शन ले आना गाइज, ठीक है? नाउ गाइज, गाइज क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं हम लोग यहाँ पर। कहते हैं द थ्योरी ऑफ अनबैलेंस्ड ग्रोथ कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द राइटिंग्स ऑफ। देखो समझना, उनका सीधे सीधे कंसेप्ट है जो अनबैलेंस ग्रोथ है वो मतलब किस ऑथर का कंसेप्ट है, किस ऑथर का। अब गाइज देखो, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि अनबैलेंस ग्रोथ जस्ट आप ऐसा मान लो, एक ऐसी ग्रोथ होती है जो बेसिकली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती है, ठीक है? मतलब वो कहते हैं जो हमारी डेवलपिंग इकोनॉमी होती है कैन प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय इनिशियली इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज विद हाई बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस। यानी इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, देखो आप ऐसा समझना, अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी का मतलब क्या होता है कि दो स्टेट्स हैं, ठीक है? एक स्टेट ये, एक स्टेट ये, तो स्टेट ए स्टेट बी, तो क्या होगा, वो स्टेट ए के अंदर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, स्टेट बी के अंदर कम इन्वेस्ट करेंगे, समझ लो? वो जानबूझ के अनबैलेंस रखेंगे। आफ्टर दैट जब ऑब्वियस बात है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया उससे ग्रोथ ग्रोथ ज्यादा हुई, तो जब उससे रिटर्न आया तो गाइस उस रिटर्न को वो दोनों जगह डिवाइड कर देंगे, देन गाइस वो इधर भी ग्रोथ करेंगे। गाइस कभी कभी इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि हम ना इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट इस तरीके से भी करते हैं कि हम दो स्टेट्स में इनिशियल टाइमिंग में डिफरेंट लेवल पर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि क्या होता है, एक की ग्रोथ कम होती है, एक की ग्रोथ ज़्यादा होती है। यानी एक बैकवर्ड होता है, एक फॉरवर्ड होता है, लेकिन गाइस उससे बेनिफिट क्या मिलता है, उससे जो बैकवर्ड होता है वो फॉरवर्ड को कन्वर्ट करने का ट्राई करता है, एंड देन गाइस जो भी पॉलिसीज लगाई जाती है वो वन बाय वन लगाई जाती है, ठीक है बेटा? तो गाइस अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी, गाइस ये थ्योरी बेसिकली सजेस्टेड बाय अल्बर्ट हर्शमैन, ठीक है? अल्बर्ट हर्शमैन ने गाइस ये थ्योरी सजेस्ट करी है, उनके आर्टिकल्स वगैरह में गाइस इस थ्योरी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। गाइस ये आपकी सेमेस्टर 5 का टॉपिक है, एंड इकोनॉमिक्स ऑन सेमेस्टर 5, वेरी वेरी इंपॉर्टेंटली इकोनॉमिक्स ऑन सेमेस्टर 5 गाइस, ये वहाँ की थ्योरी का कंसेप्ट है। अब गाइस अब आप कहते हो सर अगर मान लो क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया तो अनबैलेंस ग्रोथ थ्योरी का सीधे सीधे क्वेश्चन आ गया, ये टिक कर देना, लेकिन अगर क्वेश्चन उल्टा आ गया थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, क्वेश्चन बैलेंस्ड ग्रोथ का आ सकता है, ठीक है? क्वेश्चन बैलेंस ग्रोथ का आ सकता है। तो गाइज आप अनबैलेंस ग्रोथ के साथ साथ बैलेंस ग्रोथ का भी कंसेप्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, ठीक है? गाइज हमारे पेड बैच पर, आई रिपीट, हमारा जो पेड बैच है गाइज, उस पेड बैच पर हमने बैलेंस ग्रोथ अनबैलेंस ग्रोथ के नोट्स अपलोड किए हुए हैं गाइज, ठीक है? तो आप में से जो पेड स्टूडेंट्स हैं प्लीज गाइज, क्योंकि ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं, तो गाइज आप में से जो भी पेड स्टूडेंट्स हैं गाइज, वो अपने पोर्टल पर जाकर देख लें अपने नोट्स को, ठीक है बेटा? नाउ आगे बात करते हैं हम लोग इधर गाइस, जरा ध्यान से समझिएगा। अ रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल मेथोडोलॉजी इज बेस्ट सुटेड टू एस्टिमेट दी। गाइस आई रिपीट, सेमेस्टर 3 में एक आपका आई थिंक, हाँ सेमेस्टर 3 में एक आपका सब्जेक्ट आया था, रिसर्च एंड मतलब रिसर्च एंड मेथड्स था कुछ करके, ठीक है गाइस, सेमेस्टर 3 में, ठीक है बेटा? तो ये वहाँ का एक टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चन गाइज आपके एक ही बार आने हैं, ये वो क्वेश्चन है जो आपके सिलेक्शन का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, कहीं ये हिट एंड ट्रायल है। अगर आपने ऐसे कोई वर्ड पहले कभी सुने हुए हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने गाइज ये वर्ड सुना हुआ होगा जिन्होंने रिसर्च एंड मेथडोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, लेकिन गाइज बहुत सारे स्टूडेंट ने गाइज इसको नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि गाइज ये हमारी एंट्रेंस प्रिपरेशन का भी पार्ट नहीं है, ठीक है बेटा? तो मेरे अकॉर्डिंगली ऐसे क्वेश्चन आपके सिलेक्शन का पार्ट नहीं होते। मैं अभी के लिए इसका सही आंसर तो बता देता हूँ, लेकिन गाइस इसका सही आंसर को आप सिर्फ याद ही कर लेना, रिपीट होता है तो ही हेल्प करेगा ये, ठीक है? ठीक है बेटा, नाउ यहाँ ये गाइस क्वेश्चन नंबर 4, इन अ लेविस टाइप ड्यूअल इकोनॉमी मॉडल। गाइस लेविस मॉडल आपने सेमेस्टर 6 में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स ऑनर्स में, ठीक है बेटा? इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 6। कहते हैं द अजम्पशन ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर एट अ गिवन सब्सिस्टेंस वेज रेट इज, गाइस किन की अजम्पशन है, केनेडियन की, नियो क्लासिकल की, क्लासिकल या कोई भी नहीं, गाइस ध्यान रखना ये क्लासिकल की अजम्पशन है, ठीक है? अब आप बोलो सर लेविस मॉडल क्या है, बेटा सेमेस्टर 6 में हमारा यूनिट नंबर 1 है, आप प्लीज प्लीज एंड प्लीज वहां पर देखिएगा, लेविस मॉडल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, इट्स अ ड्यूल इकोनॉमी, ड्यूल इकोनॉमी, एंड गाइस बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। गाइस जब आप इस
इस टॉपिक को पढ़ोगे तो स्टार्टिंग की तीसरी चौथी लाइन में गाइस आपको ये क्लासिकल अजम्पशंस का कंसेप्ट दिख जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये गाइस ये क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है बेटा। चलिए जी आगे बात करते हैं। ध्यान रखना गाइस, लेविस मॉडल के अंदर हम लोगों ने सप्लाई ऑफ लेबर अनलिमिटेड माना था। जैसे मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ, ड्यूल इकोनॉमी का मतलब हो जाता है कि हम हमारे सामने दो सेक्टर्स हैं, एक है ट्रेडिशनल सेक्टर और एक है बेटा हमारे सामने मॉडर्न सेक्टर, ठीक है। एक है ट्रेडिशनल सेक्टर और एक है मेरे बच्चा मॉडर्न सेक्टर। ट्रेडिशनल सेक्टर के अंदर हमेशा से सारे लोग होते हैं, सारे लोग काम करते हैं। बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर का, तो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को, जो लोग यहाँ पे काम नहीं कर रहे, जो लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, अगर यहाँ पे कोई अगर डिसगाइज अनएम्प्लॉय है, मतलब वो काम करता है, वो दिख तो रहा है लेकिन वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉय है क्योंकि उसका एमपीएल जीरो है, उसका एमपीएल जीरो है, तो ऑब्वियस बात है वो इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयड है। वो नहीं भी हो तब भी वो उतना प्रोड्यूस करेंगे जितना एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑलरेडी हो रहा था। तो गाइज ऐसे लोग जो होंगे गाइज मॉडर्न सेक्टर में चले जाएंगे। बेसिकली बात तो यही होती है कि जिन लोगों की ज़्यादा ज़रूरत ट्रेडिशनल सेक्टर में नहीं होती वो मॉडर्न सेक्टर में चले जाते हैं, क्योंकि क्योंकि गाइज मॉडर्न सेक्टर में वो प्रोडक्टिव बन जाते हैं। रीज़न क्या होता है, देखो गाइज यहाँ से क्वेश्चन कनेक्ट अगर होता है, यहाँ पे जो वेज डिसाइड होती है गाइज वो एपीएल के अकॉर्डिंग होती है, यहाँ पे जो वेज डिसाइड होती है बेटा वो एमपीएल के अकॉर्डिंग होती है, समझ रहे हो इस चीज को। तो गाइज यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज, अगर एग्जाम में रिपीट भी हुआ तो ये गाइज वेजेस के बेसिस पे रिपीट ये हो सकता है, ठीक है बेटा। तो आंसर इज सी, क्लासिकल अजम्पशन, ठीक है। जस्ट ये अजम्पशन समझना क्लासिकल की है, क्योंकि गाइज वेज वाला कंसेप्ट इज वीएमपीएल, ठीक है ना गाइज। आगे बात करते हैं बड़ा, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव बेसिकली सेट थ्योरी से है, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन। दो तरह के न्यूज़पेपर है बेटा, जरा क्वेश्चन पढ़ लो। इफ 50% ऑफ द फैमिलीज इन अ सर्टेन सिटी सब्सक्राइब टू द मॉर्निंग न्यूज़पेपर, मॉर्निंग न्यूज़पेपर को बेटा ए मान लो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई हमारे सामने 50%, ठीक है। 65% ऑफ द फैमिलीज सब्सक्राइब टू द आफ्टरनून न्यूज़पेपर, ये इसे बी मान लो, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितनी हो गई जी 0.65। मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गई 0.50, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई हमारे सामने 0.65। एंड गाइज वो कहते हैं 85% ऑफ द फैमिलीज सब्सक्राइब टू एटलीस्ट वन ऑफ द टू न्यूज़पेपर्स, कम से कम एक न्यूज़पेपर। तो गाइज आपको पता है कि यहाँ पे आता है ए यूनियन बी, तो गाइज ए यूनियन बी दे रखे उन्होंने हमें यहाँ पे 0.85। कहते हैं देन द परसेंटेज ऑफ फैमिलीज दैट सब्सक्राइब टू बोथ न्यूज़पेपर्स, ठीक है। बोथ का मतलब होता है बेटा एंड इंटरसेक्शन। फॉर्मूला आपके सामने बेटा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। एंड गाइज यहाँ से हमारा आउटकम आ जाएगा इधर से बेटा, दैट इज 0.50 प्लस 0.65 माइनस का 0.85। एंड गाइज आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास जो आंसर मिलेगा दैट इज 0.30। तो आंसर इज डी, गॉट इट। सो गाइज क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिएगा आप एक बार, ठीक है बेटा। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या कहता है बेटा आपसे, सपोज दैट थ्री रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड फॉर्म अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच द मीन इज, ठीक है, फॉर मीन इज टू। अब देखो ये कंसेप्ट समझना, फॉर्म अ रैंडम सैंपल फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूशन, यानी वो कहना चाहते हैं जो भी हमारे पास में वेरिएबल्स हैं इन सब का जो मीन है वो गाइज दो है, यानी एक्स का मीन यानी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज टू, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई इज टू, एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड इज टू। क्लियर गाइज, यानी सबके जो एक्सपेक्टेशन है बेटा वो क्या है, टू टू एंड टू। अब वो कहते हैं बेटा हमसे द वैल्यू ऑफ दिस, गाइज इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, तो बताओ जी कैसे होगा जी इसका आंसर। एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x माइनस 3y प्लस का 4z माइनस का 5, ये जेड है, ठीक है जी। तो ये हो गया टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस का 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई प्लस का 4 एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड माइनस का 5 का एक्सपेक्टेशन। तो गाइज आपको पता है कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहता है, तो गाइज देखिएगा आंसर क्या आया आपको यहाँ से, 2 × 2 माइनस 3 × 2 प्लस का 4 × 2 एंड माइनस का 5, तो गाइस कितना हो गया ये
फोर माइनस का सिक्स प्लस का एट माइनस का फाइव। हाँ जी हमारे बच्चा कितना हो गया जी, ये हो गया जी माइनस का टू प्लस का थ्री इट्स प्लस का वन। सो आंसर इज ए। क्लियर बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो गाइस ये चीज़ समझना, अब यहाँ पे इन्होंने एक्सपेक्टेशंस का भी डिस्कशन किया है एंड गाइस इन्होंने रैंडम वेरिएबल भी बोल दिया और गाइस इन्होंने सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल दिया। ठीक है बेटा, तो इफ़ यू आर आवर पेड स्टूडेंट्स बैकग्राउंड गाइज, अगर आप मतलब हमारे पेड स्टूडेंट्स हैं तो गाइज आपके पोर्टल पर स्टैटिस्टिक्स के पोर्टल पर गाइज एक फोल्डर होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का बेटा एक फोल्डर होगा, उसके अंदर गाइज इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, तो एक बार गाइज आप वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा गाइज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। एंड गाइज अदर स्टूडेंट्स के लिए मैं बस ये सजेस्ट करूँगा कि आप जो भी हेल्प बुक फॉलो कर रहे हैं जैसे वी के कपूर, एस सी गुप्ता या डेवॉर, गाइज कोई भी बुक अगर फॉलो कर रहे हैं तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है बेटा, नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं हम लोग एक बार। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेवन क्या बोलता है, इन स्टैटिस्टिक्स द रिलायबिलिटी ऑफ अ पॉइंट एस्टिमेट इज मेजर्ड बाय इट्स। अब देखो बेटा दो तीन चीज़ें समझना, पॉइंट एस्टिमेशन का आप मतलब ये एस्टिमेशन है बेटा, ठीक है, ये एस्टिमेशन की बात कर रहे हैं। एस्टिमेशन दो टाइप की होते हैं, एक पॉइंट और एक इंटरवल। ठीक है गाइज, मेरा ही सजेशन ये बिल्कुल रहेगा कि आप पॉइंट और इंटरवल एस्टिमेशंस के बारे में ज़रूर कुछ रीड करो। ठीक है, तो गाइज वहाँ पे आपको इनकी कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, ठीक है, एक्यूरेसी, मतलब काफ़ी सारी इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानने का मौका मिलेगा गाइज। उनमें से ही एक प्रॉपर्टी है इनकी रिलायबिलिटी। ठीक है, तो गाइज ध्यान रखना पॉइंट एस्टिमेट में किसी भी स्टेटिस्टिक्स की जो मैं गाइज अगर हम बात करते हैं तो अगर हम उसकी पॉइंट एस्टिमेट की रिलायबिलिटी को मेजर करें, रिलायबिलिटी को मेजर करें, तो ध्यान रखना गाइस वो हमेशा स्टैंडर्ड एरर से मेजर की जाती है। ठीक है बेटा, हमेशा किससे मेजर की जाती है मेरे बच्चा, स्टैंडर्ड एरर से। अब आप बोलो सर ऐसा क्यों, देखो पहली बात तो आप ये चीज समझिएगा कि हमें ए और बी ऑप्शंस को कट कर रहा हूँ, ये गलत है और ये गलत है, रीजंस। जब हम पॉइंट एस्टिमेट की बात कर रहे होते तो हमेशा हम लोग गाइस सैंपल की बात कर रहे होते हैं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द सैंपल। ठीक है, एक बात होगी। अब जब हम लोग सैंपल की बात कर रहे होते हैं तो उसमें गाइज हमेशा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये गाइज ये सब चीज़ें हट जाती हैं। ठीक है, तो ए हमारा ए वाला तो ऐसे हटा क्योंकि ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, मतलब वेरिएंस की बात आ गई। तो गाइज इस अब समझना, जो वेरिएंस या ये जो टर्म यूज होता है गाइज वो पॉपुलेशन टर्म्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिमिलर गाइज स्टैंडर्ड डेविएशन भी पॉपुलेशन सैंपल के लिए, सॉरी पॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गाइज कॉफिशियंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज बेसिकली रिप्रेजेंट दी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर या फिर स्मॉल आर स्क्वायर, जस्ट ये चीज। ये गाइज इकोनोमेटिक्स का पार्ट है, ये बताता है दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप। एंड गाइज हम तो यहाँ पे एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं तो गाइज एल ऑप्शन भी नहीं होगा, तो आंसर इज सी। गाइज यहाँ पे आपको फिफ्टी फिफ्टी वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा, मतलब आपको ऑप्शंस एलिमिनेट करने पड़ेंगे। आप ए बी सी डी चारों ऑप्शन को रीड करो, उन्हें देखो कि क्या कोई सिंगल भी रीज़न है, इज देयर एनी सिंगल रीज़न, इवन सिंगल रीज़न भी हो जिससे कि आपको वो ऑप्शन गलत साबित हो जाएगा, तो गाइज उसको गलत कर दो। ठीक है, तो गाइज ऑप्शन ए भी गलत करा हमने क्योंकि वो कॉफिशन ऑफ वेरिएशंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि गाइज कॉफिशन ऑफ वेरिएशंस में हमें सिग्मा यानी वेरिएंस का रूट एंड मीन चाहिए होता है, जो कि गाइज हम लोग यहाँ से नहीं सॉल्व कर सकते, कर सकते। ठीक है बेटा, दूसरे गाइज कोफिशिएंट ऑफ डिटरमिनेशन हमारे इकोनोमेटिक्स का पार्ट है, एक बात। दूसरी चीज़ गाइज ये दो वेरिएबल्स के बीच का रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है, एंड गाइज रही बात स्टैंडर्ड एरर और स्टैंडर्ड डेविएशन, गाइज दोनों का मतलब सेम ही होता है, लेकिन गाइज पॉइंट क्या होता है, मतलब डिस्कशन की बात क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन और एरर, एरर हमेशा हमारा सैंपल्स में इस्तेमाल किया जाता है, डेविएशन हमेशा बेटा हमारा पॉपुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो पॉइंट एस्टिमेट इज अ सैंपल, तो आंसर इज सी। क्लियर है बेटा? हाँ, मैंने जैसा कि आपको बताया कि सर अब इसको प्रिपरेशन कहाँ से करें, तो बेटा जो भी आप हेल्प बुक फॉलो कर रहे हो सबसे बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ध्यान रखना एस्टिमेशन में पॉइंट एस्टिमेशन एंड इंटरवल एस्टिमेशन, इन के टॉपिक्स को एक बार प्रॉपर्टीज के सेंस में एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, नाउ गाइस आगे बात करते हैं हम लोग इधर गाइस।
क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर एट दैट इज रिजेक्टिंग अ ट्रू हाइपोथेसिस रिजल्ट्स इन। गैस देखो सिंपल सा लॉजिक है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। गैस ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के सेमेस्टर थ्री में आपने करा था, ठीक है। अदरवाइज गैस अगर आप कोई भी हेल्प फॉलो कर रहे हो तो वहाँ से भी आप इसको रीड कर सकते हो। ध्यान रखना इसकी सिर्फ बेसिक बातें पढ़नी है आपको, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना हाइपोथेसिस में। जस्ट मैं एक छोटी सी टेबल आपके लिए बनाना चाहूँगा यहाँ पर, क्योंकि गैस ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, ठीक है, बहुत बार रिपीट हो चुका है, बहुत बार। जस्ट यहाँ पे होगा हमारा रिजेक्ट या फिर एक्सेप्ट की बात कर लेते हैं ना। देखते 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 ये टेबल को दोबारा बना देता हूँ मैं गाइस एक बार। या हाँ जी बेटा, ये टेबल है हमारे सामने, ठीक है जी। एंड ये चलिए जी गाइस देखिए, ट्रू नल हाइपोथेसिस, फॉल्स नल हाइपोथेसिस। गैस ये नल हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस वाला कंसेप्ट आपका आपका स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। कोई भी हेल्प जो आप फॉलो कर रहे हैं वहाँ पर भी अवेलेबल है। एंड जो मेरे पेड स्टूडेंट्स है बेटा, बेटा आपके पोर्टल पर ये स्टैटिस्टिक्स का जो पोर्टल है वहाँ पे ये अवेलेबल है सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ प्लीज़ आप गैस वहाँ पे इन टाइप के कंसेप्ट को एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आपका रिविजन नहीं हुआ हुआ अभी तक, ठीक है। गैस यहाँ पर आता है हमारा गैस एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है, एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस, रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, ठीक है। नाउ गाइस देखो बेटा, नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट कर लिया गिवन दैट के वो ट्रू था, या फिर ट्रू नल हाइपोथेसिस आपने एक्सेप्ट कर लिया, एक ही बात है वो गाइस। तो ध्यान रखना बेटा, आपका डिसीजन बेटा करेक्ट है, आपने सही डिसीजन लिया है। यानी एक पर्सन को बीमारी थी और आपने उसकी बीमारी एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। एक पर्सन का कोरोना टेस्ट हुआ, ठीक है, कोरोना टेस्ट हुआ, उससे सच में कोरोना था और डॉक्टर ने मान लिया बात, ठीक है। कोरोना टेस्ट के रिजल्ट मतलब आया, मतलब पॉजिटिव रिजल्ट आया, पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब कोरोना डिटेक्ट हो गया, तो गाइस यानी करेक्ट डिसीजन था। लेकिन दूसरा सेंस भी होता है कि ट्रू नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट, ट्रू नल हाइपोथेसिस और वो हमने रिजेक्ट कर दिया, मतलब कोरोना था लेकिन उसकी टेस्ट नेगेटिव, उसकी रिपोर्ट गैस क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, तो जिसको कोरोना था वो खुलेआम छूट गया, समझ लो गाइस। जस्ट मैं एग्जांपल बहुत बेकार दे रहा हूँ, आई नो कोरोना वाला गैस उसको तो नाम लेते हुए भी अजीब लगता है, ठीक है। तो लेकिन गाइस फिर भी आप कोई भी डिजीज का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है बेटा। तो दिस इज बेसिकली टाइप वन एरर, जिसे हम लोग एल्फा के नाम से जानते हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ऐसे नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हो जो ट्रू है, ठीक है, जो ट्रू है, ट्रू होने का मतलब जो आपने माना था, आपने जो जब आपको जब आप चेक कर रहे थे, जब आप डिसीजन ले रहे थे, तो आपने उसकी कोई वैल्यू मानी होगी, तो गाइज वो ट्रू है, लेकिन ट्रू होते हुए भी आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, तो गाइज इट्स अ टाइप वन एरर। तो गाइज ये चीज ध्यान रखना, इसे हम टाइप वन एरर कहते हैं, ठीक है। दूसरे सेंस में नल हाइपोथेसिस फॉल्स एंड यू रिजेक्ट, इट्स मीन गाइज यू आर, आपका डिसीजन करेक्ट है, आपने सही डिसीजन लिया है, कोरोना था भी नहीं एंड आपने उसको रिजेक्ट भी कर दिया। रिजेक्ट का मतलब क्या हो गया, आपने इसको भेज दिया जो भी उसकी रिपोर्ट आई थी, ठीक है, यू आर, आपका डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन डिजीज थी नहीं लेकिन उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया गया, तो गाइस ध्यान रखना इट्स टाइप टू एरर। अच्छा कुछ लोग इसको बीटा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो गाइस ये जस्ट मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब देखो समझना, एग्जाम में हाइपोथेसिस टेस्टिंग अगर इसी टेबल के आगे पीछे आया, मान लो इसी टेबल से कनेक्टेड आया, ठीक है, इसी टेबल पर बेस्ड आया, तो गैस आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी में से, ठीक है। हाँ अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं तो गैस शायद आपको पता लग गया होगा, रिजेक्टिंग ट्रू हाइपोथेसिस, रिजेक्टिंग ट्रू गैस दैट इज टाइप वन एरर, ठीक है बेटा। क्या हो जाएगा वो टाइप वन एरर, ये नहीं है, बहुत तो कभी भी नहीं हो सकता यार, ठीक है। ये गाइज ध्यान रखना स्ट्रक्चरल एरर गाइज, ये ना आपके इकोनोमेट्रिक्स में एक कंसेप्ट आता है ऑटो कोरोलेशन, ये वहां के एरर्स होते हैं। देखो ये चीज आपको सीखनी पड़ेगी कि कोई भी ऑप्शन अगर उन्होंने रख दिया और वो गलत है तो वो सही कहां पर होगा, कोई भी ऑप्शन अगर गलत है
तो इस क्वेश्चन में गलत है, बट वो ऑप्शन सही कौन से क्वेश्चन में होगा गाइस ध्यान रखना। अगर ये क्वेश्चन ऑटो कोरिलेशन का होता है, कुछ फेवरेबल हमारा ऑप्शन होता, तो गाइस हमारा डी ऑप्शन थोड़ा सा सोचने लायक होता है, लेकिन फिलहाल गाइस ये गलत है ऑप्शन। ठीक है, नाउ गाइस आगे बात करते हैं हम। गाइस यहाँ पे जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है बेटा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, ठीक है, बहुत बहुत बेसिक इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है। क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से, कहते हैं कोर्स राइस इज एन इन्फीरियर गुड, चावल इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर का मतलब क्या होता है, घटिया कमोडिटी, घटिया यानी देखो इन्फीरियर, अच्छा इन्फीरियर नॉर्मल एंड गिफिन, तीन टाइप के गुड्स होते हैं। आई रिपीट, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड एंड गिफिन गुड। नॉर्मल गुड में गाइस जस्ट मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर आंसर टिक करेंगे, ठीक है। गाइस नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर आप क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, इनवर्स रिलेशनशिप, क्वांटिटी को डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू इनकम, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है, तो गाइस ये नॉर्मल गुड्स के लिए अप्लाई होता है। लेकिन वहीं अगर आप बात करो इन्फीरियर, तो ध्यान रखना गाइस यहाँ पे गाइस चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम नेगेटिव होती है, लेकिन गिफिन में चेंज इन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन प्राइस गाइस ये पॉजिटिव होता है, समझ रहे हो। नॉर्मल में हमें दोनों का इम्पैक्ट देखना पड़ेगा, ठीक है, मतलब दोनों से एक्सप्लेनेशन हो सकती है। लेकिन गाइस इन्फीरियर में गाइस सिर्फ इनकम से ही देख सकते हो आप, गिफिन में बेटा आप सिर्फ प्राइस से कनेक्ट कर सकते हो। अब जरा ध्यान से समझना, क्वेश्चन इन्फीरियर का बेस्ड है, इन्फीरियर पर बेस्ड है बेटा क्वेश्चन, ठीक है बेटा, इन्फीरियर पर बेस्ड है। दिस मीन्स, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, व्हेन प्राइस ऑफ कोर्स राइज इंक्रीजेस, कंजम्पशन ऑफ कोर्स राइज ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो उसकी कंजम्पशन भी बढ़ेगी, ठीक है गाइस, बिल्कुल बात देखो समझो, स्टेटमेंट तो सही है बट नॉट फॉर इन्फीरियर गुड, इट इज गुड फॉर गिफिन गुड्स। अगर ये क्वेश्चन गिफिन गुड के लिए होता तो शायद सही बात लगती कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी उसकी बढ़ेगी, ठीक है, तो गाइस वो गिफिन गुड की बात है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, ठीक है। आगे मतलब गिफिन के लिए सही होता बट इन्फीरियर के लिए बेटा वो गलत है, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज नॉट द आंसर। ऑप्शन बी देखते हैं, व्हेन राम्स इनकम डिक्रीजेस हिज कंजम्पशन ऑफ कोर्स राइस इंक्रीजेस। अगर राम की इनकम कम होगी तो उसके जो कंजम्पशन है या क्वांटिटी डिमांड हुआ करेगा, कंजम्पशन करेगा, वो बेसिकली बढ़ेगा गाइस। यस गाइस, बेटा बेटा ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिकॉज जस्ट मैंने आपको पहले से बता ही दिया बेटा यहाँ पे कि इनफेयर गुड के अंदर इनफेयर गुड के अंदर क्वांटिटी एंड इनकम का रिलेशनशिप होता है, एंड ऑब्वियसली बात है नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, तो गाइस वो सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। एक बार सी ऑप्शन और पढ़ लेते हैं, ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ कोर्स राइस फॉल्स, ठीक है, कोर्स राइस फॉल्स, कंजम्पशन ऑफ कोर्स राइस फॉल्स, अगर प्राइस कम होंगे तो कंजम्पशन भी कम होगी, समझ रहे हो, तो गाइस वो अगेन ये गिफिन गुड के लिए ये चीज गाइस गिफिन गुड के लिए अप्लाई हो रही है, लेकिन हाँ गाइस गिफिन गुड के लिए अप्लाई हो रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, ऑप्शन ए ऑप्शन सी इज ट्रू फॉर गिफिन गुड, समझ ना गाइस, समझो इस बात को, प्राइस बढ़ेंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगी, प्राइस कम होंगे तो कंजम्पशन कम होगी, समझ लो, तो गाइस ये दोनों बातें हमारी एप्लीकेबल होंगी फॉर गिफिन गुड्स, लेकिन गाइस यहाँ के लिए हमारा आंसर बी, क्लियर गाइस। चलो जी आगे बात करते हैं बेटा हम लोग, यहाँ पर जरा ध्यान से समझेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, क्वेश्चन नंबर 10 बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रफ कर देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन के हिसाब से जस्ट वो कह रहे हैं कि भाई हम टू कम्युनिटी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट उन्होंने टू कम्युनिटी वर्ल्ड की बात करी है, एक्स एंड वाई। वो कहते हैं अगर गुड एक्स हमारा न्यूट्रल है, अच्छा न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात जस्ट कंसेप्चुअली है, ठीक है, कि न्यूट्रल होने का मतलब क्या है, कि आप उसकी ये डिमांड करो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझ रहे हो। गुड वाई की डिमांड इम्पैक्टेड होती होती है कि अगर उसकी तुम ये डिमांड कर रहे हो
तो फर्क पड़ेगा, ये डिमांड करो फर्क पड़ेगा, ये डिमांड करो फर्क पड़ेगा, लेकिन गाइस एक्स की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब बेसिकली यूटिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब जस्ट एग्जांपल, आपने बोला कि सर हमने ये कॉम्बिनेशन लिया, मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। फिर आपने बोला कि सर मैंने इसी वाई पर, मतलब वाई को चेंज नहीं कर रहा हूं मैं, इसी वाई पे मेरे को एक्स ज्यादा मिल गया, मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा तेरी यूटिलिटी सेम रहेगी, मतलब एक्स की बढ़ने का इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा कुछ। फिर मैंने बोला सर इसी वाई पर मैंने एक्स को और बढ़ा दिया, तब भी आपकी यूटिलिटी रिमेन सेम। ध्यान रखना गाइज ये हॉरिजॉन्टल आईसी है, यहाँ पे आपकी यूटिलिटी कांस्टेंट रहेगी। आप एक्स की कुछ भी क्वांटिटी लो, x1, x2 एंड x3, गाइज योर क्वांटिटी योर योर यूटिलिटी रिमेन सेम, गॉट इट? तो गाइज इस सेंस में योर आंसर इज बी नॉट ए। वर्टिकल, गाइज वर्टिकल का मतलब क्या हो गया, वर्टिकल का मतलब तो ये हो गया ना कि आपके लिए फिर न्यूट्रल गुड वाई हो जाएगा, भाई एक्स की आप ये डिमांड कर रहे हो, वाई की डिमांड इनडिफरेंट है, तो वो तो फिर उल्टा हो जाएगा ना। ध्यान रखना इनडिफरेंट हमेशा न्यूट्रल गुड की होती है, ठीक है? नाउ आगे बात करें बेटा, क्या देख रहे हो कितना बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, लेकिन यहाँ पे फिर ये मत सोचना कि ये तो बेसिक ही हो जाएगा। बेटा एग्जाम में आपको अगर 100 क्वेश्चन आते हैं ना, तो कहते आपको मोर देन 75 क्वेश्चन अटैम्प करना है, और अगर मतलब बेसिकली आपको एग्जाम में 75% से ज़्यादा का क्वेश्चन अटैम्प्टिंग रखना है, ठीक है? ये आप अपने माइंड में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग बेटा, यहाँ पर जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं अ मोनोपोलिस्ट विल नेवर प्रोड्यूस अ क्वांटिटी वेयर द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन इलास्टिक बिकॉज। बेटा अब देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो कह रहे हैं कि मोनोपोली कभी भी इन इलास्टिक रीजन में, जहाँ पे इलास्टिसिटी इन इलास्टिक होती है, वहाँ पे कभी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ठीक है? अब गए देखो इस चीज़ का कंसेप्ट समझो। आंसर बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ आप पढ़ कहाँ पे सकते हो। गैस ये जो कंसेप्ट है आप स्नाइडर निकोलसन, स्नाइडर एंड निकोलसन में, उसमें मोनोपोलिस का जो चैप्टर है, ठीक है, आई थिंक चैप्टर नंबर 14 है, चैप्टर 14 है गाइज, ठीक है? वहाँ पे मोनोपोलिस के चैप्टर में आप देखिएगा, उधर गाइज एक फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस 1 - 1/E, ये ठीक है, एम आर इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 - 1/E। अच्छा अब जब वो ई की बात करते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन इलास्टिक, तो मतलब एक से कम, एक से कम में आप मान लो 0.2 0.5 मान लो, ठीक है, या हाफ मान लो, तो बेटा रखना है यहाँ पे पी 1 - का हाफ यानी 0.5, तो वो ऊपर जाके क्या हो गया पी माइनस का पी ब्रैकेट 1 - का 2, तो ये हो गया -1, यानी कि एम आर के बराबर, तो गए एम आर क्या आ गया नेगेटिव, समझ लो मेरी बात को, एम आर आपका बेटा क्या हो गया नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ, क्या एम आर नेगेटिव आ रहा है? पहली बात तो हम डायरेक्ट ऑप्शन ढूंढेंगे, और क्या गाइज हमारा लक अच्छा है कि हमें मिल गया, लेकिन गाइज आप ऑप्शंस को भी एनालाइज करो कि कोई भी ऑप्शन अगर रखा हुआ है तो वो किस बेसिस पे गलत है। देखो एग्जांपल, ए ऑप्शन गलत है क्योंकि पी इज मोर देन एम सी, बिल्कुल सही कहते हैं पी इज मोर देन एम सी, लेकिन एम सी और एम आर का रिलेशनशिप भी मैटर करता है यहाँ पर। पहले में ऑब्वियस ही बात है, हम ये बोलेंगे कि एम आर इज इक्वल्स टू एम सी, ठीक है, एंड विच इज मोर देन प्राइस, गाइज यही स्टेटमेंट होती है, मतलब समझो ये बात तो सही है कि पी इज मोर देन एम सी, लेकिन गाइज इस बात का इससे कोई लेना देना नहीं है, समझ रहे हो? क्योंकि ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इस ट्रू स्टेटमेंट का इन इलास्टिक प्राइस इलास्टिसिटी से कोई लेना देना नहीं है गाइज, इस सेंस में ऑप्शन गलत है। बी ऑप्शन क्या कहता है जी हमें, दैट इज एम आर इज मोर देन एम सी। नो गाइज, एम आर नेवर बी मोर देन एम सी, एम आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू एम सी, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन में गलत है। सी ऑप्शन तो सही कर चुके हैं, फिर कहते हैं कि पी इज लेस देन ए टी सी, गाइज ऑब्वियसली बात है प्राइस अगर इससे, मतलब प्राइस इससे कम होगा तो कोई प्रोडक्शन होगी नहीं, लेकिन गाइज अगेन अगेन गाइज उसका इससे कोई लेने देना नहीं है, ठीक है बेटा? तो गाइज हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया, दैट इज सी, ठीक है? चलो जी आगे बात करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
एंड क्वेश्चन नंबर 12 जरा ध्यान से देखिएगा बेटा। सो क्या कहता है जी, इफ मार्जिनल बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग एप्पल्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट देन अ रैशनल चॉइस इन्वॉल्व। अब देखो गाइस यहाँ पे कुछ चीजों को समझिएगा, बड़ी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इधर कि इतना बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, इतना बेसिक क्वेश्चन उन्होंने आपसे पूछा और आपको आंसर करना। तो गाइस मैं बार बार यही चीज बोल रहा हूँ आप लोगों से कि इस एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस इजी हैं गाइस वो आपके कंपटीशन का पार्ट नहीं है। रीजंस बिहाइंड, क्योंकि जो क्वेश्चन इजी गाइस वो सबसे होंगे और सारे लोग कर लेंगे, इसलिए गाइस इसकी कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आपको, तो गाइस जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन ही आ चुका है। आप सोचो, कहते हैं इफ मार्जिनल बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग एप्पल्स इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट कॉस्ट एसोसिएटेड विद इट। अब एक बार बताओ, आप एज एन प्रोड्यूसर, ठीक है, आप एज एन प्रोड्यूसर बात कर रहे हो कि भाई जो एप्पल को प्रोड्यूस करने की जो बेनिफिट है, बेनिफिट मार्जिनल बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग एप्पल्स, ठीक है, मार्जिनल बेनिफिट ऑफ प्रोड्यूसिंग एप्पल्स इज मोर देन उसकी मार्जिनल कॉस्ट के, तो आप बताओ जी आप एप्पल क्या बनाओगे, ज्यादा बनाओगे कम बनाओगे। गाइस मार्जिनल बेनिफिट का मतलब उससे मिलने वाला रेवेन्यू, सेंस की हम बात कर सकते हैं यहाँ पर। अब आप एक लॉजिकल बात है गाइस, अब क्या करोगे, ज्यादा बनाओगे कम बनाओगे? हाँ जी गाइस, एनीवन एल्स? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, देखो समझना, पहले हम एक काम करते हैं, हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हैं। गाइस ये क्वेश्चन होते हैं जो इजी भी होते हैं और टफ भी लगते हैं, ऑप्शंस एलिमिनेट करते हैं। प्रोड्यूसिंग लेस एप्पल्स, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा जी, ठीक है, डी ऑप्शन गलत हो जाएगा जी। उसके बाद में कहते हैं प्रोड्यूसिंग मोर और लेस डिपेंडिंग ऑन द बेनिफिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑरेंजेस। गाइस हमें ये बिल्कुल नहीं बोला कि एप्पल और ऑरेंज, ऑरेंज और एप्पल का कोई रिलेशनशिप नहीं बताया, वो बात अलग है कि एप्पल और ऑरेंज आपस में जो फ्रूट्स हैं वो रिलेटेड हैं, लेकिन गाइस इन्होंने ऑरेंज का नाम नहीं लिया है, हो सकता है ऑरेंज उस कंट्री में बनता ही ना हो। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो गया, ठीक है। अब गाइस बी और सी में से एक ऑप्शन हमारा सही होगा। अब मतलब यार एक बात बताओ, आप एप्पल की प्रोडक्शन कर रहे हो, उससे जो बेनिफिट मिल रहा है उसकी कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है, उससे जो बेनिफिट मिल रहा है उससे जो कॉस्ट हो रही है उससे ज्यादा बन रहा है, तो ऑब्वियस ये बात है गाइस आप ज्यादा बनाओ कम बनाओगे, यू विल प्रोड्यूसिंग व्हाट गाइस? ऑब्वियस ये बात है गाइस बी, प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ एप्पल्स, ठीक है बेटा। अच्छा एक एक बुक है आई थिंक रूबिन फील्डिंग पिंडिक, वहीं पर वहाँ पे भी गाइस थोड़ा सा प्रोडक्शन थ्योरी में ये थोड़ा सा इन्होंने कनेक्टिविटी में एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। जस्ट उनके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन से मिलने वाला बेनिफिट, मार्जिनल बेनिफिट अगर ज्यादा होता है उसकी मार्जिनल कॉस्ट से, मतलब बेनिफिट को मान लो आप प्राइस कॉस्ट होगी एम सी, इफ प्राइस इज मोर देन एम सी, ठीक है। तो कुछ ऑथर्स इसको ऑब्वियसली मानते हैं कि भाई प्रोड्यूस प्रोडक्शन ऑफ एप्पल विल बी मोर, ठीक है, एंड कुछ ऑथर्स ये मानते हैं कि हमारा जो पी इज मोर देन एम सी से जो बेनिफिट होगा तो होता है, या फिर जो रेवेन्यू होता है हम उसको अदर अदर कम्योडिटी की प्रोडक्शन में लगा देते हैं। तो क्या कुछ लोगों के हिसाब से ये एप्पल रिमेन सेम, ठीक है, वो कहते हैं कि हम एप्पल को उतना ही बनाएंगे, क्योंकि हमारी हमारी क्या होता है कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम अपना बेनिफिट बढ़ा लें या फिर हम अपनी कॉस्ट कम कर लें। तो अगर वो मान के चलो अगर वो 100 एप्पल बना रहे थे और 100 एप्पल पहले मान के चलो जस्ट जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 100 रुपीज में 100 रुपीज लग रहे थे 100 एप्पल को बनाने में, या जो भी गाइस प्रोडक्शन चल रहा है, एंड 100 रुपीज इसका प्राइस था, समझ लो दिस इज मार्जिनल कॉस्ट 100 रुपीज, दिस इज प्राइस। अब अगर मान लो प्राइस 100 से 200 हो गया, तो एक तो तरीका ये हो सकता है कि वो ज्यादा प्रोड्यूस करे, या फिर तरीका ये हो सकता है कि वो उतना ही प्रोड्यूस उतना ही प्रोडक्शन रखे, ठीक है, उतने प्रोडक्शन रखे, उससे ज्यादा प्रोडक्शन ना करे, क्योंकि क्योंकि अगर वो इतने प्रोडक्शन रखेगा तो उसका गाइस प्रॉफिट ज्यादा होगा, समझ लो गाइस देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो अकॉर्डिंग टू मी गाइस बोथ ऑफ द ऑप्शंस आर करेक्ट, बी और सी गाइस दोनों करेक्ट होते हैं, क्योंकि गाइस ध्यान रखना प्रोड्यूसर ये चाहेगा कि उसका प्रॉफिट मेंटेन रहे तो वो ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करेगा। आप बोलोगे सर ज्यादा प्रोड्यूस करेगा तो उसको तो ज्यादा बेनिफिट होगा, नहीं बेटा, इफ ही प्रोड्यूस मोर देन द मार्जिनल बेनिफिट गेट रिड्यूस्ड। आपको पता है बेटा जैसे जैसे हमारी एप्पल की प्रोडक्शन बढ़ते जाएंगे
वैसे वैसे गाइज उससे मिलने वाला बेनिफिट ऑब्वियस बात है गाइज कम होता जाएगा, समझ रहे हो, बेनिफिट गाइज कम होता जाएगा। इसलिए गाइज अगर उसको लगता है कि तेरे से डिमिनिशिंग रिटर्न्स, तो वो प्रोडक्शन ज्यादा नहीं करेगा, ही विल मेंटेन हिज प्रॉफिट। ठीक है बेटा, तो मेरे हिसाब से बी और सी दोनों ही करेक्ट हैं। अगर आप बोलते हो सर पेपर में आए तो कौन सा टिक करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सी टिक करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गाइज ये मैंने रूबिन फिल प्रिंटिंग में ये कंसेप्ट देखा है, बस उन्होंने इतना लिखा है कि अगर प्रोडक्शन, अगर प्राइस बढ़ जाता है, बेनिफिट बढ़ जाता है, तो ही विल प्रोड्यूस सेम लेवल ऑफ क्वांटिटी बिकॉज ही विल ट्राई टू मेंटेन देयर प्रॉफिट रिमेन सेम, बिकॉज इफ ही प्रोड्यूसेस मोर देन उसका जो बेनिफिट है वो डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा गाइस, और ये कोई भी नहीं चाहता। ठीक है, तो गाइस इसका आंसर मेरे हिसाब से सी है, बट आप बी भी टिक करते हो वो भी बेटा सही होगा। गाइस अब देखिए ओपन इकोनॉमी, गाइस जस्ट मैंने आपको बताया था अब कॉन्सेप्ट, उसमें जब मैंने टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन किया था, ओपन इकोनॉमी गाइस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है गाइस, ये ओपन इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको प्लीज प्लीज उसी तरीके से समझिएगा। हाँ, अगर रेफरेंसेस पूछो ओपन इकोनॉमी के, तो गाइस दो रेफरेंसेस मैं आपको दूंगा, एक तो सेमेस्टर थ्री, ठीक है, उसमें एक टॉपिक ओपन इकोनॉमी का दे रखा है। ठीक है, सेमेस्टर थ्री मैंने जस्ट नाम ले दिया है, अगर आप 2020 की बात करते हो तो बेटा 2020 में ओपन इकोनॉमी सेमेस्टर फोर में है। ठीक है, आपको बस ओपन इकोनॉमी का नोट्स अरेंज करने, मेरे ही अरेंज कर लो, जो मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं उनको, उनके पास तो गए सारे नोट्स हैं। ठीक है, लेकिन गाइज जो मेरे पेड स्टूडेंट्स नहीं हैं, जो नॉर्मली वीडियो देख रहे हैं, तो गाइज आप प्लीज एंड प्लीज मेरे या किसी के भी नोट्स अरेंज करो ओपन इकोनॉमी के, सारा बेटा आपको वहां से मिल जाएगा। एक गाइज सेमेस्टर फाइव में एक टॉपिक था इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उसका गाइज पार्ट बी, अगर आप कम समय में उस चीज को पढ़ लो तो गाइज ये आपको बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट दे जाएगा। अगर गाइज इसको कम समय में अगर आप पढ़ लो तो बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिट्स गाइस यहाँ पे आपको मिल जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, गाइस क्वेश्चन रीड करो। इन एन ओपन इकोनॉमी विद फ्री कैपिटल फ्लो, फ्री कैपिटल फ्लो का मतलब समझते क्या होता है, आपने जैसे फ्री एक आपने पढ़ा होगा ओपन ओपन इकोनॉमी के अंदर परफेक्ट कैपिटल मोबिलिटी, एक फ्री कैपिटल फ्लो। देखो बेटा फ्री कैपिटल फ्लो का मीनिंग क्या होता है, बेटा फ्री कैपिटल फ्लो का मतलब होता है कि आप अपनी करेंसी को बेसिकली आप अलाउ कर रहे हो अपने कैपिटल को, सॉरी नॉट करेंसी, आप अपने कंट्री के कैपिटल को अलाउ कर रहे हो टू फ्लो फ्रीली विद नो फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट एग्रीमेंट। यानी यानी अगर आप अपने कुछ पैसे को, अपने कैपिटल को दूसरी कंट्री में भेजते हो, तो गाइस यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड करेंसी एक्सचेंज रेट एग्रीमेंट लागू नहीं होगा। इसका मतलब जितना पैसा आप यहाँ से वहां भेज रहे हो उतना का उतना पैसा गए आप पर आपको वहाँ, मतलब एग्जाम्पल आप यहाँ से डाल रहे हो अकाउंट में, वहां से रिटर्न निकाल रहे हो, तो आपका उतने अमाउंट निकल के आ गया जितना आपने यहाँ पे डिपॉजिट करा था। ठीक है बेटा, तो बेसिक सी बात है वाली। अब गाइस देखो समझना, गाइस सीधा हिट एंड ट्रायल है गाइस। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, ये थ्योरी वाले बहुत दिक्कत करते हैं, ऐसे क्वेश्चन गाइस बहुत डेप्थ में से आते हैं। कहते हैं सेंट्रल बैंक कैन, अगर कोई भी फिक्स करेंसी रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा। देखो समझो एक एक करके, हम पहले ऑप्शंस सेलेक्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक कैन स्टेबलाइज द एक्सचेंज रेट बाय सेटिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्रोप्रिएटली। देखो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली चीज अगर आप बात मतलब अगर आप करते हो, तो देखो सीधे सीधे कंसेप्ट होता है कि एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट उनको आप मतलब स्टेबलाइज इजीली नहीं कर सकते। जस्ट अगर आपको याद है, आप लोगों ने ट्रेलेमा सुना होगा एक बार, ट्रेलेमा, ठीक है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक में ट्रेलेमा है। ठीक है, वो आपने अगर कभी पढ़ा हो तो आप सोचेगा उसके बारे में, एक बार रीड करेगा। ड्यू टू ट्रेलेमा यू नेवर स्टेबलाइज एक्सचेंज रेट के साथ में इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो गाइस एक्सचेंज रेट साथ में इंटरेस्ट रेट कभी भी स्टेबलाइज नहीं हो सकता ड्यू टू ट्रेलेमा, तो गाइस ये कट हो गया। उसके बाद स्टेबलाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय सेटिंग एक्सचेंज रेट, ऑब्वियसली बात है बी भी नहीं होगा, मतलब ए और बी नहीं होगा बिकॉज ऑफ ट्रेलेमा। ठीक है, तो गाइस रीजंस आपको मैंने यहाँ पे बता दी, गाइस इतने रीजन मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ, मैंने आपको एरिया भी बता दिया कहाँ से आप इन सब चीज़ों को रीड कर सकते हो। अब वो कहते हैं नेदर स्टेबलाइज द रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉट द एक्सचेंज रेट। देखो बड़े की समझिएगा, ये तो कन्फर्म है कि डी भी नहीं है, मैं रीजन बता दूँ क्यों। देखो बेटा ट्रिलेमा का मतलब होता है कि हमारे पास में तीन चीजें हैं जिन्हें आप जिनमें से आप
दो को कभी साथ में नहीं कर सकता, तो फिक्स नहीं है, कभी इसकी कनेक्टिविटी इससे होगी, कभी इसकी इससे होगी, कभी इसकी इससे होगी, ठीक है। तो जैसे एक्सचेंज रेट और इंटरेस्ट रेट कभी भी गाइस साथ में स्टेबलाइज नहीं हो सकता, तो ध्यान रखना एक टाइम में एक ही होगा। ये गाइस ये कंफर्म रखना हमेशा कि सेंट्रल बैंक या तो इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करेगी, स्टेबलाइज करेगी, या फिर एक्सचेंज रेट को करेगी, लेकिन कभी भी दोनों को साथ में नहीं कर सकती। क्लियर? तो गाइस आंसर इज सी। ठीक है बेटा, चलो जी आगे बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, आपका स्वैप वाला कंसेप्ट। गाइस आई रिपीट, ये ओपन इकोनॉमी में जब आप सेमेस्टर 3 या 4 के जहाँ से भी आप नोट्स अरेंज कर रहे हो वहाँ पर गाइस स्वैप वाला कंसेप्ट दे रखा है। और ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज स्वैप, इसका जस्ट मीनिंग क्या होता है गाइस? फॉरेन एक्सचेंज स्वैप का सिंपल सा एक मतलब होता है कि आप एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर रहे हो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। बस ये बात अपने आप दिमाग में रखिएगा, यू आर मतलब एक्सचेंजिंग वन करेंसी विद अनदर इन अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, आप इजीली एक करेंसी को दूसरी करेंसी से एक्सचेंज कर रहे हो, दिस इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज स्वैप। तो गाइस आंसर इज ए। गाइस इस पे कोई फर्दर डिस्कशन है ही नहीं, जब अगर ये सब चीजें पढ़ोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली गाइस ये सब चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, इसमें कोई फर्दर डिस्कशन गाइस है ही नहीं। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 गाइस, जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज ओवर अ गिवन क्वार्टर द प्राइस, हाँ ये गाइस ये क्वेश्चन आप बहुत बहुत बार आया है। ठीक है, एंड मैं तो हमेशा बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के आंसर हमेशा आप जो है याद कर लिया करो। क्वेश्चन है, सपोज ओवर अ गिवन क्वार्टर द प्राइजेस इन श्रीलंका रोज बाय 4%। मतलब अब मान लो श्रीलंका के जो प्राइजेस, उसको 100 मान लो, ठीक है, अब वो 4% से बढ़ रहा है, तो अगर P100 है तो P2 हमारा 4%, मतलब 104 हो गया। वेयर एज द प्राइजेस इन बांग्लादेश ओवर सेम पीरियड रोज बाय 7%। अब अगर बांग्लादेश के, मान लो बांग्लादेश हमारा फॉरेन एग्जाम्पल, उसके 100 है तो 107 हो गया, अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी। अब अगर आप बात करते हो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी, अब वो पूछते हैं कि भाई अब बताओ हमें कि मतलब इन चारों में से कि कौन सी करेंसी अप्रिशिएट हो रही है, कौन सी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है बेटा, तो जस्ट आप एक एक फॉर्मूला, रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी का फॉर्मूला गाइस आपको पता है क्या होता है, दैट इज P1 बाय P2 अपॉन में P1 स्टार बाय P2 स्टार। गाइस ये रिलेटिव परचेजिंग पावर पैरिटी है। ठीक है, इसमें गाइस दैट इज, मैं आपको क्या बताता हूँ, दिस इज थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं गाइस, थोड़ा सा इसको, ठीक है, मैं जस्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ आपके लिए गाइस। दैट इज आर नॉट इज इक्वल्स टू आई, अच्छा आर नॉट बोल लो, जैसे आर वन इज इक्वल्स टू P1 बाय P1 स्टार, गाइस वो डिवाइड करके ऑटोमेटिक वही सेम आ जाएगा। R2 इज इक्वल्स टू P2 बाय P2 स्टार, एंड द फॉर्मूला इज R2 बाय R1। ठीक है, यानी P2 स्टार सॉरी P1 बाय P1 स्टार। ठीक है बेटा, तो जस्ट ये मैंने आपको अलग अलग फॉर्मूला बता दिए हैं आप दोनों का, बस बेसिक है गाइस, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। R1 निकाला और आपने R2 निकाला, और आपने बस ये चेक कर लिया कि किसका अमाउंट आगे पीछे कैसे। जैसे जैसे एग्जांपल मैं ये निकालता हूँ R1, ठीक है जी, तो मैंने R1 निकाला तो इट्स बेसिकली 100 बाय 100, इट्स 1, नो डाउट। अब मैंने निकाला जी R2, अब R2 बताना है जी, R2 कितना है जी, R2 है जी हमारा P2 बाय P2 स्टार, दैट इज 107 अपॉन 104, नहीं दिस इज 104 बाय 107, क्योंकि हमने होम कंट्री को श्रीलंका माना है। ठीक है, 107, यस ऑब्वियसली बात है, दिस इज लेस देन 1, ठीक है, दिस इज लेस देन 1, समझ रहे मेरी बात को गाइस, दिस इज लेस देन 1। अब अगर क्लियर सी बात है, अगर ये लेस देन 1 है और श्रीलंका को हमने माना था यहाँ पे होम कंट्री उसी के हिसाब से, तो गाइस लेस देन 1 मतलब वैल्यू कम हुई है, वैल्यू कम हुई है श्रीलंकन की करेंसी, कम हुई है, जब उसकी करेंसी कम होती है बेटा सीधे सीधे आंसर है कि उनकी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, उनकी करेंसी डेप्रिशिएट, अप्रिशिएट तो नहीं हो रही, ठीक है, उनकी करेंसी बेटा डेप्रिशिएट हो रही, तो आंसर इज बी।
एक बार सी को भी देख लेते हैं, द एक्सचेंज रेट बिटवीन श्रीलंकन रुपी एंड बांग्लादेशी टाका विल रिमेन अनचेंज ओवर द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। नहीं, ऐसा नहीं होता, अफेक्ट तो होगा जी। आगे द एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। नहीं, ये भी गलत है। तो गाइस आंसर इज बी। क्लियर बेटा? मतलब मैंने आपको जिस टेक्निकली बताया है कि अगर आप देखिए कम हो रहा है, ठीक है, तो करेंसी श्रीलंका की करेंसी कम हो रही है। जैसे आप वन साइड पे चलो, आप बांग्लादेश की साइड से मत देखो, श्रीलंका की साइड से देखो, ठीक है। गाइस श्रीलंकन करेंसी कम हो रही है क्योंकि तभी एक से कम अमाउंट आ रहा है, ठीक है गाइस, तो वो डेप्रिशिएट होगी। हाँ, अगर आप अब देखो, अब आपको तो सिर्फ तीन वाला कंसेप्ट, गाइस इतनी डिटेल में नहीं जाओ क्योंकि गाइस ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ सोचना होता है और जो हमारा इंट्यूशन का कहीं भी कनेक्टिविटी ऑप्शन से होगा गाइस वहां टिक कर देते गाइस, ठीक है। इन जैसे क्वेश्चन का गाइस कभी भी डिटेल आंसर नहीं होता गाइस, ठीक है बेटा। यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ गई अच्छे से, बढ़िया से। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा आप। गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे सामने, पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व इन हाईली एग्रीगेटेड हिस्टोरिकल डेटा लाइक फिलिप्स कर्व, ठीक है। क्वेश्चन है बेटा, पॉलिसीज फॉर्मुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप्स ऑब्जर्व इन हाईली एग्रीगेटेड हिस्टोरिकल डेटा लाइक फिलिप्स कर्व माइट फेल बिकॉज, ठीक है, माइट फेल बिकॉज। गाइस मैं इसके लिए एक फिलिप्स कर्व जैसे फेल हुआ था, ठीक है, ये बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आप जब जब गाइस आप कोई भी पॉलिसी लगाते हो, ठीक है, पॉलिसी लगाते हो और हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पर, मतलब पुराने लोगों ने क्या किया था उस उनके बेसिस पर, ठीक है, पास्ट के बेसिस पे आप फ्यूचर, आप प्रेजेंट में पॉलिसी लगाते हो, आई रिपीट, आप पास्ट के एक्सपीरियंस के बेसिस पर प्रेजेंट में पॉलिसी लगाते हो जिसका बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, वो चीज़ नॉर्मली फेल हो जाती है, कभी कभी फेल हो जाती है। जैसे एग्जांपल फिलिप्स कर्वे गाइस, फिलिप्स कर्वे गाइस 1970s में फेल हुआ था, ठीक है, एक अलग थ्योरी है उसकी, उसके लिए अलग डिस्कशन है, ठीक है, लेकिन गाइस फिलिप्स कर्वे 1970s में फेल हुआ था, ठीक है। एंड कहने का गाइस उसको फिलिप्स कर्व को फेल करने का जो रीजन था गाइस वो था एक्सपेक्टेशन, समझ रहे हो, यानी एक्सपेक्टेशन था गाइस बहुत बड़ा रीजन उसका। तो गाइस अब देखो जैसे मैंने उन्होंने यहाँ पे आपको हिंट दिया फिलिप्स कर्व का, तो गाइस अब हम अपना यहाँ पे हिंट ढूंढेंगे। मैंने आपको बोला एक्सपेक्टेशन, आप बोलो सर आपको कैसे पता लगा, बेटा प्रैक्टिस है, मैंने चीजों को बहुत अच्छे से रीड किया हुआ है, ठीक है। गाइस एक एक करके बात करते हैं, देयर माइट बी एरर्स इन हिस्टोरिकल डाटा। गाइस ये कोई जरूरी नहीं है क्योंकि गाइस यह बात हम तो ये चीज तो मान के चलते हैं कि किसी भी डेटा के अंदर एरर तो होंगे, दैट इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5%, 1%, 2%, मतलब हम मान के तो गाइस चलते ही हैं यहाँ पे एरर, तो गाइस एरर होना कॉमन बात है, तो गाइस ड्यू टू एरर्स हमारा रिलेशनशिप फेल हो जाएगा ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है गाइस। रीजन बिहाइंड, क्योंकि एरर्स को हम मिनिमाइज कर देते हैं बाय यूजिंग इकोनोमेट्रिक्स मेथड्स और एलएस एस्टिमेटर्स के को यूज करके, है ना बेटा, जैसे आपको ये चीज पता होगी अच्छे से। नाउ गाइस तो ऑप्शन नंबर ए गया। बी, पब्लिक्स एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर पॉलिसी माइट अफेक्ट देयर करंट डिसीजंस विच विल अफेक्ट पॉलिसी आउटकम। यस गाइस दिस इज द राइट आंसर। लेकिन गाइस मैं सी और डी और पढ़ना चाहूंगा एक बार। सी है, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन हिस्टोरिकल डेटा माइट बी इन एडिक्वेट टू एनालाइज पॉलिसी आउटकम कम्प्लीटली। यस गाइस ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट गाइस देखो मैंने बोला कि मैंने क्या बोला गाइस, हमें अपना क्वेश्चन देखना है और जो हमारे माइंड में उससे रिलेटेड टॉपिक टर्म्स आ रहे हैं हमें वो टर्म ढूंढने हैं। मेरे हिसाब से सी भी सही है, लेकिन बी इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। इन चारों ऑप्शन में गाइस कोई भी करेक्ट आंसर नहीं है, बट मेरे हिसाब से गाइस बी इज द बेस्ट आंसर। अगर आप बी और सी में कंफ्यूज हो, सी भी गाइस सही लग रहा है, ठीक है गाइस, क्योंकि गाइस ये तो कंफर्म होता है यहाँ पे, जैसे हिस्टोरिकल डेटा में जो भी हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लेते हैं गाइस वो थोड़ी सी इनएडिक्वेट होती है कि हमारी पॉलिसी को कम्प्लीटली पॉलिसी के आउटकम को कम्प्लीटली डिटरमाइन कर सके, ठीक है बेटा। तो मेरे हिसाब से ये भी सही हो सकता था, लेकिन बी अगर गलत होता तो गाइस ये फिलहाल गलत है, ठीक है गाइस। ये टेक्निक होती है जब भी चार ऑप्शन अवेलेबल हो, चारों में से कोई भी सही नहीं हो तो ऑलवेज चूज द बेस्ट आंसर, ठीक है, ठीक है, बेस्ट आंसर चूज करो, क्योंकि गाइस हमेशा ध्यान रखना इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था चूज द अप्रोप्रिएट और सूटेबल आंसर, कभी भी ये नहीं लिखा होता चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है बेटा। करेक्ट
करेक्ट आंसर नहीं होता। फोर्थ ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, देयर माइट बी एन इनकंसिस्टेंसी बिटवीन वेरियस पॉलिसी। गैस इनकंसिस्टेंसी सही की जा सकती है, अगर आपको याद हो तो हम लोगों को एक चीज पढ़ी हुई थी कि इनकंसिस्टेंसी कैन बी रिमूव बाय टेकिंग लिमिट फॉर एन एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी। आपने अगर इकोनोमेट्रिक्स में पढ़ा हो तो हमने ये सब चीज़ें गैस वहाँ भी डिस्कस की हुई है। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट टू फॉर पेड स्टूडेंट्स, ठीक है गैस। ऑप्शन नंबर डी भी गलत, तो आंसर नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर 17 इजी है, मैथमेटिक्स है। कहते द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दिस। गैस बहुत, अब देखो इसमें क्या ही मैं भी क्या ही बताऊँ और आप भी क्या ही समझोगे, इतना इजी चीज़। डेरिवेटिव कर दो एफ डैश एक्स, ठीक है जी, बहुत बहुत आसान है। वन अपॉन में टू रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन इंटू टू एक्स, टू से टू गया तो बचा यहाँ पे एक्स अपॉन में रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन, तो आंसर इज डी। क्लियर, कोई किंतु परंतु है नहीं गई। फिर कहते हैं वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, गई ये भी इतना आसान है, कर लोगे गए आप इसको सॉल्व। मतलब वन को मल्टीप्लाई किया हमने, 15 4 60 यानी 6000 माइनस का 45 into 148। वीडियो पॉज करके गाइस रुक जाओ सॉल्व कर लेता हूँ। गाइस कर लो क्या आप इसको, मैं इसको वीडियो पॉज करके सॉल्व करके यहाँ पे आंसर टिक कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस इसको डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेना। गाइस वीडियो पॉज करके मैं आंसर टिक कर रहा हूँ, या गाइस आंसर इज 12, ठीक है, एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा बेसिक मैथमेटिक्स से। फिर कहते हैं विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, अ मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर। गाइस जिन लोगों ने मेरी मैथमेटिक्स की क्लासेस देखी हुई हैं लेवल वन में, गाइस हम लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर जो लीनियर अलजेब्रा गाइस उसकी स्टार्टिंग की वीडियोस में गाइस आपको ये सब चीज़ें दिख गई होंगी, सिंगुलर नॉन सिंगुलर वाला। गाइस मुझे 100% पता है जो जो बच्चे ऑलरेडी क्लास को देख चुके हैं मेरी, वो इस कान से एकदम बता देंगे बगैर सॉल्व करें। देखो गाइस अ मैट्रिक्स ए सेट टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। सिंगुलर कब बोलते हैं, जब इसका डिटरमिनेंट जीरो होता है। देखते हैं चार ऑप्शन पढ़ते हैं। अच्छा वो कहते हैं इनकरेक्ट, कौन सी गलत है। और गाइस एक बार बताओ, ये बात तो सही है, सिंगुलर तो वो बेसिकली सिंगुलर तो हो जाएगा जब उसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है। एंड गाइस आपको पता है जिसका डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है तो जिस भी मैट्रिक्स पे होता है उतना उसका रैंक नहीं होता। गाइस अब देखो ये क्वेश्चन ना रैंक में भी कन्वर्ट होता है अगर ये रिपीट किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर मतलब ऑप्शन ए जो स्टेटमेंट ए, सॉरी नॉट ऑप्शन, स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं इनकरेक्ट, समझ लो, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। नॉन सिंगुलर सिंगुलर कब होता है, जब उसका डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो नहीं होता। तो गाइस ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हम ढूंढ रहे हैं इनकरेक्ट। अगर है फॉर द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स द मैट्रिक्स मस्ट बी नॉन सिंगुलर, यस गाइस। अब कोई पूछे क्यों, गाइस ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, एंड व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। तो गाइस ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अगर नो डाउट गाइस चारों ऑप्शन है, चारों में से स्टार्टिंग है तीन, मतलब हमारे तीन रिजेक्ट हो रहे हैं ड्यू टू दिस, तो डी तो सही होना ही चाहिए। फिर भी देख लेते हैं, द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स इज अ स्केलर मल्टीप्लाइड विद अ मैट्रिक्स, नो, ठीक है। आप किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स करते हो स्केलर मल्टीप्लाइड नहीं होता गाइस, ऐसा नहीं होता। मतलब आपके सामने एक मैट्रिक्स है, आप उसका ए इनवर्स कर रहे हो, तो क्या वो किसी के ए के बराबर हो जाएगा? नो गाइस, नॉट ट्रू गाइस। अब इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो हमारे क्वेश्चन के हिसाब से दिस इज द राइट आंसर, ठीक है गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 20 देखो कितना इजी है, द डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोलिस्ट इज गिवन बाय दिस द मार्जिनल रेवेन्यू एट एक्स इक्वल्स टू 2 एंड एक्स इक्वल्स टू 0 आर। हाँ जी बेटा, मार्जिन रेवेन्यू की बात कर रहा है वो, ये सॉरी डिमांड कर्व है। हमने टोटल रेवेन्यू ने बेटा निकाल लिया हमने यहाँ पे 100x माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स क्यूब, फिर हमने गाइस इसका एमआर निकाल लिया, दैट इज 100 माइनस का 2x माइनस का 3x स्क्वायर, फिर गाइस हमने एमआर के अंदर रखा 2, तो गाइस आया 100 माइनस का 4 माइनस का 2 2 4 4 3 12 ये 16 यानी 84। दिख गया गाइस, ये भी चलो करके देख ही लेते हैं, तो सीधे सीधे कितना आ गया जी 100, आंसर बी। क्लियर गाइस, ओके गाइस हमने ये पार्ट ए कर लिया, यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होगा बेटा। ये हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर रहे हैं पार्ट बी को,
फर्स्ट 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के थे, ठीक है बेटा। तो गाइस आप इसको प्लीज एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है बेटा। ध्यान रखना हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा आपका मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा सीधे सीधा इंटरेस्ट क्या है कि मैं आपको ये सब चीज़ें करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर किसी भी तरीके से, क्या सीधे सीधे इंटरेस्ट है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, ठीक है। और गाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि अब आपको ये रियलाइज होना चाहिए थोड़ा सा कि पास्ट ईयर पेपर्स के अंदर जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको आंसर ही पता हो, आंसर के साथ साथ गाइज आपको थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की बातें ही पता हो, ठीक है। जान बुझ के गाइज मैं सब चीज़ें ऐसा कर रहा हूँ, एंड मैंने ट्राई किया है जिन क्वेश्चन में ज़रूरत थी वहाँ पर मैंने उस क्वेश्चन की आगे पीछे की कनेक्टिविटी भी बताई है, ठीक है। जहाँ पर जरूरत थी, जहाँ पर नहीं जरूरत थी तो गाइज वहाँ पर हमने ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं किए, ठीक है बेटा। तो गाइज ये हमारा 2014 का क्वेश्चन पेपर हाफ सॉल्व हो गया बेसिकली, ठीक है, मतलब 20 क्वेश्चन ही कह सकते हो आप, ठीक है बेटा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर विद द फर्दर क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।